कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, सबसे प्यार मोहब्बत रखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, और मैं उनकी म्यूज़िक में खूब रिकॉर्ड करता रहता हूँ। दो बेटियों की शादी एक साथ हो रही है, बहुत ही खुशी की बात है। हम आशीर्वाद देने आए हैं कि दोनों बेटियाँ हमेशा खुश रहें और दोनों के परिवार में प्रेम बना रहे, खूब प्रेम बना रहे। आप लोग बहुत खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ। ठीक है जी, तहे दिल से दिलीप सेन साहब, जो हमारे म्यूज़िक के लेजेंड हैं, दिलीप सेन, समीर सेन, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए, आज उनकी खूबसूरत दो रचनाएं, जिसे मैं कह सकता हूँ जिनकी खूबसूरत दो नगमे कह सकता हूँ, दो बच्चियों की जो शादी हो रही है, उनको ये शुभ घड़ी, ये शुभ दिन बहुत मुबारक हो। मैं कहता हूँ कि दोनों जो है बेटियाँ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें और जिए हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं उदय दहिया और सुनील पाल। और मैं समझता हूँ कि हंसते रहे दोनों, हंसाते रहे, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहे, दिलीप सेन साहब और भाभी जी और पूरे सेन परिवार को ये बहुत ही शुभ घड़ी मुबारक हो। और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी मेहमान आए, आप सब भी हजारों कोटि कोटि दुआएं उनको दे रहे होंगे, ताकि उनके जीवन में या उनके आसपास के लोगों के जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे। और दिलीप सेन साहब बहुत फैमिलियर आदमी हैं, मेरे घर भी अभी बच्चे का बर्थडे था तो आए थे, और हर जगह वो जाते हैं और दोस्तों के साथ बड़ा उनका दोस्ताना रहता, बड़े मिलजुल के रहते हैं। तो मैं बता दूँ एक चीज़ और ख़ास है उनकी जी, कि वो म्यूजिक डायरेक्टर तो कमाल है ही, हाँ हाँ, लेकिन वो एज एन एक्टर भी वो बहुत मेरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अरे वाह, अभी लास्ट फिल्म जो की थी हमने, एक तो बिग बॉस की थी उसमें है वो, हाँ। और अभी जो गाली गलौज फिल्म आई उसमें भी है, उसमें भी है। वाह, तो गाली गलौज फिल्म जरूर देखिएगा, SR के म्यूजिक पर है, जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फिल्म का नाम गाली गलौज है तो लोग डर जाते हैं, हाँ, फिल्म में गाली गलौज बिल्कुल नहीं है, जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, हाँ, वैसे हमारी फिल्म गाली गलौज में गाली गलौज विलन है, हाँ, और गाली गलौज नहीं है, एंटरटेनमेंट का मिलन है। तो मैं समझता हूँ कि आप जरूर देखिएगा, और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ सेन परिवार को बहुत बहुत मुबारक, आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। आई सर, आई जूनियर महमूद साहब से मैं अभी मिलकर आया, आज ही मिलकर आया, और आप सब प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से दुआ कीजिए। मैं भी कल गया था भैया, बिल्कुल उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, हालांकि लड़ रहे हैं। हमारे जूनियर भाई जो है वो हमारे सीनियर है, नाम जूनियर है लेकिन वो सीनियर है, हमारे गुरुतुल्य है। जॉनी भाई वहाँ जा चुके हैं, जितेंद्र साहब वहाँ जा चुके हैं, सचिन पिलगांवकर जी वहाँ जा चुके हैं, अली साहब वहाँ चुके हैं, उदय दहिया वहाँ पर जा चुके हैं, हम सब जाके प्रार्थना कर रहे हैं। और मीडिया के द्वारा आप सबके धन्यवाद करना चाहूँ, आप सबका, कि आपके द्वारा ये बात देश और दुनिया तक पहुँच रही है, कि जिस जिस ने उनकी फिल्मों को देखा है, क्योंकि वो हमेशा जनता की नज़र में बच्चे ही रहे, वो बच्चा रहा है, जूनियर महमूद जो है सबके लिए बच्चा रहा है, तो वो हर घर का बच्चा है, और हर घर के बच्चे को, बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो पूरे घर के लोग इतर बितर हो जाते हैं, ऐसा ही सबका माहौल है। मुझे लगता है कि जूनियर भाई को सबकी दुआएं लगेगी, सबकी प्रार्थनाएं लगेगी, और फिर से हमारे जूनियर भाई उसी तरह से आएंगे, नाचेंगे, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इसी तरह से तर्ज में महमूद साहब की दुआएं उनको लगेगी, और वो वापस फिर से उसी तर्ज में आएंगे, ऐसी मेरी दिल से मुझे लगता है, मुझे विश्वास है। और जो जो लोग उनको देख रहे हैं फिल्मों के जरिए या किसी तरह, प्लीज़ हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। जूनियर महमूद भाई, लव यू। अली भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि सुनील भाई ने कहा, हम भी कल गए थे, मिल के आए, हालत तो बहुत ख़राब है, कुछ करिश्मा हो जाए ऐसी दुआएं करता हूँ। इंडस्ट्री के बहुत से लोग जा रहे हैं, ख़ास करके जॉनी भाई जो हैं बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, कल जीतू साहब भी थे, बहुत सारे कलाकार आए हुए थे मेरे साथ। तो अब यही है कि कंडीशन तो बहुत बैड है, हम सब दुआ कर सकते हैं, कुछ करिश्मा हो जाए ऐसी दुआएं करता हूँ। जूनियर भाई ने पूरे दुनिया को हंसाया है, आज वो खामोश हैं, हम सब दुआ करते हैं कि फिर से वो लोगों को हंसाएं। और मैंने उनके साथ तकरीबन 10 से 12 फिल्में की थी, पहली फिल्म थी सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। अगर मैं किसी कलाकार से पहली दफ़ा मिला था सुनील भाई, तो मैं अपने शहर में गया, मैं जूनियर महमूद साहब से मिला था जब वो
स्टेज शो के लिए आए थे महेंद्र कपूर जी के साथ। मैं उस ज़माने में कॉलेज का स्टूडेंट था, फिर आया तो एक इत्तेफाक 10-12 फिल्म में साथ में काम किया। अभी मैं बाहर था, जैसे मुंबई आया मैं जाके मिला, और मिलने के बाद जो हमसे दुआएं हुई और जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग उनके जिक्र करें, उनके लिए यही है कि मालिक उनको एक मौका दे कि फिर से वो अपने। नहीं नहीं, बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलके बनके भाई भाई मांग रहे हैं उनको दुआ, ताकि जूनियर महमूद साहब का दुख दर्द को दे सके सदा के लिए विदाई। कवि शैलेश लोढ़ा जी का भी फ़ोन कॉल आया था, वो भी कल मिलने गए थे, मैंने उनको एड्रेस दिया, और भी बहुत लोग, आशा पारिक जी आज आई थी मिलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि हर आदमी उनको के साथ काम करके, जैसे अली भाई ने कहा है, किसी न किसी रूप में, चाहे स्टेज पर हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो अभी OTT पर हो, मेरी फिल्म में भी थे वो, लॉकडाउन टू अनलॉक में भी थे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि हम सबके साथ वक्त गुजरा है, उनका बहुत कुछ सीखा उनसे, और अब समय है कि, और वो जूनियर है तो मतलब वो छोटे ही रहेंगे, वो बड़े हुए ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा भी नहीं, वो वापस आएंगे, जल्दी आएंगे। कभी भी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, मुस्कुराते रहते, हमेशा मुस्कुराते रहते, और क्या बताएं, बस यही दुआ, ठीक, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। और बाल वाल एकदम घने घने, हम तो उनको प्यार से कहते हैं सबसे यंग सीनियर, यंग सीनियर, सबसे यंग सीनियर। और आज हम लोग आए दिलीप भाई की 2 बच्चियों की शादी है, उनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। दिलीप भाई जो हैं, दिलीप सेन जी, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत प्यारे, बहुत चाहते हैं, हम सब के दुलारे हैं। दिलीप भाई, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में शामिल है हम सब लोग, मुबारक हो आपको ये प्यारा दिन, मुबारक हो आपको प्यारा दिन। देखिए हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, गाली गलौज नहीं दे। अच्छा, याद है गाली गलौज फिल्म में अली खान साहब भी है, इन्होंने भ्रष्ट नेता का रोल किया है। सर कहाँ था रे, मैंने इनसे कहा कि भ्रष्ट नेता का रोल क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई नेता मतलब भ्रष्ट ही होता है। जोक सपाट, मजाक कर रहे हैं हम लोग भाई, जोक सपाट है, ये जोक सपाट समझो, सपाट जोक समझो इसको, इसको सीरियसली मत लो। खान खान के बिना कोई हिंदी फिल्म नहीं चलती है, क्या बात है। हर हिट फिल्म के लिए खान का होना जरूरी है। गदर 2 इसलिए चली क्योंकि उसमें अली खान थे, मुश्ताक खान थे, ये दोनों खान ही गदर 2 है, और इसीलिए गाली गलौज भी चली। यस, उसमें मुश्ताक खान, यस, तो SR के म्यूजिक पे जरूर देखिएगा, उसमें मुश्ताक खान, करेक्ट है, मुश्ताक खान भी है और अली खान भी है, और भी आपके बहुत सारे फेवरेट कलाकार है। सो लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। ग्रैंड फंक्शन है और दिलीप भाई हम सब दोस्तों के बीच हमेशा आते जाते रहते हैं, हमारे सब फंक्शन अटेंड करते हैं, और बड़े खुश से तो उनका जो फेमस गाना है जब भी कोई लड़की देखो गाते हैं, तो आज मौका है, ये उनके खुद का घर का फंक्शन है, तो अपने घर के फंक्शन में जो गाएँ, मैं बहुत दिल से उनको मुबारक करता हूँ। रेडी सर, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आज दिलीप जी के लिए, बहुत बड़ा दिन है। हमारी छोटी बहन सिमरन और शबनम, ये दोनों की आज बहुत धूमधाम से यहाँ पर रिसेप्शन की पार्टी है। मैं उनके फैमिली का एक सदस्य हूँ और हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारी हम सब दोस्तों की तरफ से दिलीप सेन और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत सक्सेसफुल लाइफ को आगे रन करें। हम सबका आशीर्वाद, दुआएं और साथ हमेशा ही रहेगा, और आप सब लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम पूरे फैमिली के साथ आए हैं, ये फैमिली गेट टुगेदर है, और निश्चित तौर पर जितने लोग आए हैं वो दिलीप सेन और हमारी मम्मी मतलब उनकी मिसेस, उनका जो लगाव और प्यार और अपनापन है, इसलिए हम सब यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आए हैं एंड वी आर एंजॉइंग द मैरिज मोमेंट। थैंक यू, ठीक है, मुबारकबाद देतो, कारण त्यांची फॅमिली सर्व धर्म समभाव अशी फॅमिली त्यांची आहे। गंगा जमुना तहजीब अगर देखने अगर मिलती है तो दिलीप सेन साहब के या फॅमिली में इन्वॉल्व हो जाओ, आपको समझ में आएगा इनकी फॅमिली कितनी अच्छी है। बहुत बहुत शुभेच्छा, मुबारकबाद मैं मेरे तरफ से दे रहा हूँ, शुक्रिया।
वो शुभकामनाएं देंगे। नमस्कार, वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल फोरम फॉर एंटी करप्शन की जानिब से मैं आज शादी को इन्विटेशन हमारे दिन साहब चौकले साहब के और दिलीप सिंह साहब से भी काफ़ी दिन से इन्विटेशन आया था। मैं आज बहुत आके बहुत खुशी हो रही है, मैं इनको आके मैंने मुबारकबादी दी है दोनों बेटियों की शादी में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके जोड़े को सलामत रखे। हम सब दुआ करते हैं कि ऐसे इनका परिवार बढ़ता रहे। हम बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, दिलीप सिंह साहब बहुत लोगों को चाहते हैं, काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से इनके पास में आए मोहब्बत से मुबारकबादी देने के लिए। बस आज के दिन में हमारे राणा साहब, नाना जी महाराज, राणा साहब, चोपड़े साहब सबको मैं शुक्रिया अदा देते हुए आज मैं उनको एक बार दिल से शुक्रिया। गुड, थैंक यू। मेरे घर में इतना बड़ा फंक्शन है कि मेरी एक नहीं दो दो बेटियों की शादी का रिसेप्शन हो रहा है, जिसमें ये सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। सुंदरी ठाकुर जी हैं, ये हमारी राजकुमारी बिटिया जी हैं, और मैं शैलेश जी का टीम में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मौके पे एक अपना फर्ज निभाया भाई का, चचा का। और रही बात खुशी की, तो बाप के लिए सबसे बड़ा दिन यही होता है, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो एक अलग खुशी होती है, फिर जब वो चलने लगता है तो उसकी खुशी अलग होती है, फिर वो पढ़ने लगता है तो उसकी खुशी और अच्छी होती है, फिर जब वो जवान हो जाता है तो उसको देख के फिर और खुशी होती है, और जब शादी करते हैं उस वक्त का माहौल कुछ अजीब हो जाता है। उस वक्त दो खुशियाँ एक साथ में टकराती है, जो कभी उसको गम में तब्दील हो जाती है और कभी खुशी में हो जाती है कि चलो भाई आज अल्लाह ताला ईश्वर भोलेनाथ उनको अपने मन चाहा साथी दिया और अपने घर में सुखी रहे, जैसे वो अपने बाप के घर में हंसी खेलती रही, ससुराल में भी वैसे ही हंसी खेलती रहे। यही मैं चाहता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, आशीर्वाद करें। कई हस्तियाँ यहाँ पर आई, शुभकामनाएं देना चाहें, देने के लिए क्या कहना चाहिए? मैं जेकी साहब का, रंजीत साहब का, अरुण चिलोटा जी का, सुंदरी जी का, अभिजीत राणे साहब का, और तमाम मेरे मित्रगण जो कि मेरे एक फ़ोन पे एक कॉल पे अपने काम काज छोड़ के मेरी बेटियों को आशीर्वाद देने आए, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समय को मतलब सही जगह पे अपना इस्तेमाल करके मतलब बचा के दूसरी जगह से, कई लोग को दो दो फंक्शन करके आ रहे हैं अभी, तो ये समझ लीजिए कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बच्चियाँ बड़ी भाग्यशाली है कि जिन जिन लोगों को भी हम चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं, वो सारे आ जाए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। बस मैं ये कहना चाहूँगी आज का जो अभी जैसे भाई ने कहा खुशी का भी माहौल है, दिन भी थोड़ा सा बीच बीच में हो जाता है, क्योंकि जब बेटियाँ जो आज 25 साल हम बड़ी करके उनको जब किसी के हाथ में सौंपते हैं तो बहुत बड़ा कलेजा होता है माँ बाप का। उस वक्त जब वो किसी के हाथ में हाथ देते हैं वो मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो माँ बाप समझ सकते हैं उस फीलिंग को, जब वो हाथ अपना छोड़ के जाती है उस वक्त कुछ शब्द नहीं रहते। तो मैं ये कहूँगी कि दिलीप भाई आपकी बेटियाँ खुश रहें, और जो और ये सच बात है कि जो मेरे बगल में बैठे हैं ना, कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत छोटा कुछ करते हैं, लेकिन जब बहुत अच्छे और सज्जन लोग कुछ ऐसा विशाल करते हैं ना तो उसकी महिमा कुछ और हो जाती है। आज जो ये विशाल देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े विशाल नहीं कर सकते हैं। जो दिलीप भाई पिछली बेटी की भी ऐसी की, आज दोनों बेटियों की ऐसी की है। मैं कहती हूँ बेटियाँ ऐसी और माँ बाप के साथ ऐसे ही हमेशा उनका साथ बना रहे और प्यार बना रहे। बस ये कहूँगी अपने घरों में खुश रहें और माँ बाप उन्हें देख के खुश होते हैं, यही बस कहना चाहूँगी। और जितने भी सभी आए, सभी अपना अपना कीमती वक्त है, लेकिन इनके आगे कोई कीमती वक्त नहीं होता, ये वक्त को निकालना पड़ता है क्योंकि वक्त ही ऐसा है, इसके लिए मना कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया का, और आपका भी बहुत, आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है जो हमारी आवाज़ों को आप बाहर पहुँचाते हैं, ये हमारी मीडिया का तो जवाब ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मेरी दोस्त के बहुत सालों से इनकी पहली फिल्म से मैं एसोसिएट हूँ और हर प्रोग्राम में हम लोग साथ में स्टेज में रहते हैं, और उनकी दोनों बेटियाँ बहुत खुश रखे और अच्छा उनका मतलब बहुत नेचर है, उनका भी नेचर अच्छा है। और आपने भी साथ इनके शादी का पहली बार मैंने चित्रकूट में इनका ऑडिट लगाया डिजिटल, जो लंदन अमेरिका में नहीं लास वेगास में और न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में वैसा डिजिटल ऑडिट लगाया है,
जो मतलब आई थिंक इनके लिए बेस्ट तोहफा है। दो दिन से चल रहा है, एक एक मिनट के अंदर चल रहा है। और 40x40 फुट का बड़ा ह्यूज होर्डिंग है, बहुत बड़ा प्यार दिया इन्होंने, आशीर्वाद दिया बच्चों को। समीर दिलीप भाई की जो शादी बच्चों की, सबसे पहला काम तो बच्चों का जो बोझा इतना बड़ा होता है कि आज की शादी करना मतलब हज के जैसा सवाब मिल गया। आज उन्होंने सारी नेकी सब ऊपर जन्नत सब इधर ही कमा लिए शादी करके, और इतना अच्छा माहौल है और सारे सेलिब्रिटी और सब इनके जो दोस्त हैं, आज सारी सेलिब्रिटी भी जो आ रहे हैं वो दोस्ताने में सब आ रहे हैं, तो यही सब है, बहुत खुशी होती है। और अल्लाह ताला दोनों बच्चों को खुश रखे, हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है कि बस हमेशा वो दोनों खुश रहें बस। आमीन आमीन। थैंक यू। खाना खाली है, खाना से जुड़ी हुई है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की खबर है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये खबर साइलेंस फिर से पूछ लो। मैडम आप करनी सेना से जुड़ी हुई है और जो खबर आई हुई है करनी सेना को लेकर, क्या कहना चाहिए? मतलब कहने के लिए तो शब्द नहीं है, जो भाई गोगा के साथ हुआ है वो तो मतलब मेरे तो सच में मैं शॉक्ड हूँ। हमारे बीच में से इतना बड़ा योद्धा मैं बोलती हूँ, उसने क्षत्रिय समाज के लिए करनी सेना के लिए बहुत बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो सोचिए हमारे पास शब्द नहीं है तो उस फैमिली के पास तो क्या बचा होगा। मैं उस फैमिली के लिए ये भी नहीं कह सकती कि आप शांत रहिए, कि आश्वासन भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये मंजर ऐसा है कि आश्वासन तो उनके कानों तक नहीं पहुंचेगा। इस समय समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और मैं सबसे अपील कर रही हूँ, शांति बनाए रखिए, लेकिन जो हम चाहते हैं उसे मत छोड़िए। जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जो करना है बिल्कुल करेंगे, और जिसने जो किया है उसके साथ वही होना चाहिए, क्योंकि ये इतना मतलब सोच के बाहर है, इतना निंदेही है कि जिसकी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जो उन्होंने किया है उनके साथ वही होना चाहिए। अभी उनकी बॉडी नहीं उठा रहे हैं। मैं जनता पार्टी से अपील करती हूं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, मोदी जी एक तो चला गया और सामने बॉडी रखी हुई है, वो बर्दाश्त के और आदमी को जो नहीं बोल पा रहा ना वो बोल रहा है देख देख के। तो ये मेरी आपसे अपील और निवेदन है कि इसको बहुत जल्दी में ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो बहुत संभालना मुश्किल हो जाएगा लोगों का, क्योंकि देख आदमी थोड़ा आग के ओझल हो जाता है तो थोड़ी सा आदमी आंख बंद कर लेता है, लेकिन हर मिनट पे पलट के देखो तो बॉडी दिख रही है, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगी जनता पार्टी से, खास करके मोदी जी से, कि इसका निपटारा कर दीजिए, जैसा किया है वैसे ही गुनहगारों को मिले, ताकि किसी के साथ भी ये हादसा ना हो। वो कोई भी क्यों ना हो और कोई भी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसके साथ वही होगा जो उसने किया है और होना भी चाहिए। मेरी ये सब निवेदन है और अपील है। मैं सुंदरी ठाकुर मुंबई महाराज से करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भी ये अपील करती हूँ आपसे कि प्लीज़ मोदी जी इस बात को सुन लीजिए और इसका फैसला कर दीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच। प्रकाश तिवारी मधुर और दिलीप सेन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र, आज उनकी दोनों बेटियों की शादी है जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी जोड़ी सदैव इसी तरह बनी रहे, सलामत रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही शुभकामनाएं देने हम सब यहाँ आए हुए हैं। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। क्या बात है, आप ये देखिए सब कुछ कह दिया है तिवारी जी ने। मैं हूँ करिश्मा राव, मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, विशिंग बोथ द लवली डॉटर्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एवर एंड एवर। थैंक यू। आदाब, दिलीप सेन जी की बेटियों की शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जोड़ा खुश रहे, आबाद रहे और फूले फैले लाइफ के अंदर। थैंक यू। क्या शुभकामनाएं होगी सर आज आपकी तरफ से दिलीप जी के लिए? बहुत बड़ा दिन है आज का। अरे दिलीप सेन, समीर सेन, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिलीप सेन मेरे चाचा हैं तो उनकी बेटियां मेरी बहन लगती है, हालांकि चाचा छोटा है 1 साल मेरे से,
तो बहनों को तो जितना दो, जितनी दुआएं दो, जितना आप दो वो सब कम है। तो मेरी तरफ से दुल्हा दुल्हन को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, दुआएं कि वो बहुत फले फूले। और मेरे चाचा दिलीप सेन का चारों बेटियों की शादी हो गई एंड नाउ इज़ फ्री। वैसे भी फ्री बट जैसे घूमते रहते हो, लेकिन अब और घूमेंगे, वो उड़ेंगे, अब पहले घूम रहे थे अब उड़ेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स एंड आप लोग सब, दिलीप सेन जी के सब जो आप लोग आए हैं प्रेस वाले, वो आप लोग इतना प्यार करते मेरे चाचा को कि आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ये पूरे इवेंट को इतना अच्छा कैप्चर किया। गॉड ब्लेस यू। आप लोग ध्यान रखें, खाना खाएं, ऐश करें और बच्चों को दुआएं दें। थैंक यू सो मच।